बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिकोरिया से माहवारी में बेकायदगी का इलाज, डॉक्टर इसका इलाज कलवंजी से कैसे बताते हैं। ख्वातीन और बालिग लड़कियों में आजकल लिकोरिया की बीमारी आम है। कहा जाता है कि ये कोई बीमारी नहीं, मगर फिर भी लोग इसके बारे में बात नहीं करते, जिसके शदीद नुकसानात ख्वातीन के तौलीदी निज़ाम और दीगर अंदरूनी निज़ामों को तबाह कर देते हैं। लिकोरिया क्या है? ख्वातीन के जिस्म से खारिज होने वाली सफ़ेद या जर्द रंगत की रतूबत को लिकोरिया कहा जाता है। इस डिस्चार्ज का असल मकसद जिस्म से नुकसानदेह बैक्टीरिया और दीगर हयातियात का जिस्म से निकलना है। अगर ये डिस्चार्ज सफ़ेद और बदबू के बगैर हो तो नॉर्मल बात है, लेकिन अगर ये गाढ़ा और बदबूदार हो तो लिकोरिया है। लिकोरिया क्यों बनता है? जब हमारे गुर्दे, आंतें और जिल्द जिस्म से टॉक्सिन यानी तौलीदी निज़ाम में मौजूद मादे को निकालने में नाकाम होती है, तो नतीजे के तौर पर जिस्म इन टॉक्सिन को ओवरीज के जरिए से डिस्चार्ज की शक्ल में खारिज करने की कोशिश करता है। औकात ये सिर्फ चिपचिपा सफेद मादा होता है और संगीन होने की सूरत में पीप का हराज भी इसके साथ देखा जाता है। लिकोरिया की अलामत, दरअसल इसकी अलामत जिस्म से सफ़ेद मादे का इहराज ही है, जो कि अमूमन माहवारी से कबल ख्वातीन को होता है। फेल होने की सूरत में डॉक्टर से मशवरा कर लेना सबसे ज़्यादा अहम है। लिकोरिया की वजह, इसकी सबसे अहम और बुनियादी वजह मुतवाजन गजा का इस्तेमाल ना करना और अपनी जिस्मानी निगहदाश्त ना करना है। जिस्म में हार्मोनल तब्दीलियाँ भी बाज़ औक़ात लिकोरिया की वजह बनती हैं। असरात, लिकोरिया की वजह से ख्वातीन के मुख्तलिफ किस्म के मसाइल होते हैं, जिनमें कमर दर्द, पट्ठों की सूजन, माहवारी में बेकायदगी, बहुत ज़्यादा या बहुत कम माहवारी का आना, बांझपन और दौरान हमल मुश्किलात, डिलीवरी के वक्त दर्द की ज़्यादती, सर दर्द, जिस्मानी थकावट, पसीने की ज़्यादती और जिल्द पर दाग धब्बे निकलना है। डॉक्टर कलवंजी से इलाज बताते हैं। गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर समीना अली कहती हैं, कलवंजी को रोज़ाना सुबह निहार मुँह एक कप नीम गर्म दूध के साथ चबा कर खाएँ। इसे लिकोरिया जैसे मसाइल बासानी ख़त्म हो सकते हैं, क्योंकि कलवंजी एंटी सफेद डिस्चार्ज समझी जाती है, जो तौलीदी निज़ाम में मजबूती का बायस बनती है। घरेलू इलाज, तुलसी के पत्तों का रस, कलवंजी पाउडर और शहद हम वजन मिक्स करके दिन में किसी भी वक्त खा लें। गिलास पानी में 2 से 3 चाय के चम्मच मेथी दाना और 3 चम्मच कलवंजी को पकाएं और कहवा पी लें। 1 कप दही में 4 चम्मच कलवंजी को पीस कर डालें और इसको खाएं। इससे इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। ऐसी ही मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है।